गुस्तागी करने वालों को जूते मारो सालों को, गुस्तागी करने वालों को जूते मारो सालों को, गुस्तागी करने वालों को जूते मारो सालों को, फ्रांस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद नूर मोहम्मद अली सैयद कुर्बान अली है। मैं सालार नगर में का रहवासी हूँ। आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका नाम है माक्रोन। उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अकदस में एक बेअदबी का मुजाहरा किया है, जिसे हम बेअदबी समझते हैं। वो चीज़ उन्होंने एक कार्टून की शक्ल में हमारे प्यारे नबी की तस्वीर बनाई है और मुसलमानों का उसका बायकॉट करने के बावजूद उन्होंने कहा है कि हम इस तस्वीर को कंटिन्यू जारी रखें। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के बाद फ्रांस के एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रांको इनके बयानों ने कई मुस्लिम देशों को नाराज़ कर दिया है और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने बयान में इस्लाम की कड़ी आलोचना की थी और शिक्षक की हत्या को इस्लामिक आतंकवादी हमला कहा था। इसके बाद कई अरब देशों ने फ्रांस के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसमें कुवैत, जॉर्डन और कतर की कुछ दुकानों से फ्रांस के सामान हटा दिए गए। वहीं लीबिया, सीरिया और गाज़ा पट्टी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। उसके बाद भारत में भी बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये विरोध पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून को कक्षा में दिखाने वाले शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की टिप्पणियों को लेकर है। भारत में भी और विशेष रूप से जलगांव में भी राष्ट्रपति मैक्रोन के बयानों की आलोचना की गई और उसके बाद शहर के कुछ हिस्सों में राष्ट्रपति मैक्रोन के फ़ोटो लगाए गए, जिन्हें जलाया गया या फिर जूतों से कुचला गया है। कई नौजवानों ने अपना रोष प्रकट करते हुए अलग अलग होटलों पर, रेस्टोरेंट, मेडिकल और कई दुकानों के सामने फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई और उसे जूतों से रौंदा। मैं मोहम्मद साबिर रज़ा, सेक्रेटरी जमात रज़ा मुस्तफ़ा जलगांव महाराष्ट्र। आए दिन हम लोग देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ़्रांस आए दिन कोई ना कोई खाके के ज़रिए तोहिन करता है। पिछले कुछ गुज़िश्ता वक्त में चार्ली हेब्दो के ज़रिए उसने खाका बनवाया, जिसमें हमारी सरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तोहिन की गई, जिसका बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। उसके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम देशों ने उसका बायकॉट किया और आज वहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तोहीन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ताल्लुक से कहा और उसे सराहाया।